एंड वेलकम बैक टू Gaadiwaadi.com. दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं Gaadiwaadi.com यूट्यूब चैनल के ऊपर. दोस्तों ये है ऑल न्यू वर्ना, इसको लॉन्च किया जाना है 26 मार्च को भारत के अंदर. और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट SX ऑप्शनल के बारे में. और बात करें तो Hyundai ने काफ़ी सारे लॉन्चेज किए हैं हाल ही के अंदर. ऑल न्यू क्रेटा को भी लॉन्च किया है और कुछ दिन के बाद ट्यूसों फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया जाएगा. साल के अंत तक ऑल न्यू एलीट i20 को भारत में लॉन्च किया जाना है. इस वर्ना को लॉन्च किया जाना है 26 मार्च को. और फ्रंट से बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, रियर में भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और इंटीरियर में भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं इस गाड़ी के अंदर. वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस साल के ग्रैंड गिव अवे के रूप में हम किसी एक सब्सक्राइबर को देने वाले हैं एक ऑटोमेटिक स्कूटर, आइदर एक्टिव 6G होगा या TVS जुपिटर. और विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे दिवाली वाले दिन. तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में इसको मिली है ऑल न्यू कास्केडिंग ग्रिल. Hyundai की जो ला फेस्टा जो एक सेडान आती है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, उससे इंस्पायर्ड है. और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाली है फुल LED हेडलाइट्स, उसके साथ साथ में काफी स्टाइलिश से दिखने वाली DRL मिलेंगी आपको न्यू वर्ना के अंदर. डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया इसकी फ्रंट ग्रिल के अंदर. प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स आपको मिलेंगी इसके टॉप टू ट्रिम्स के अंदर. फुल LED आपको मिलेंगी हेडलाइट्स, LED DRL आपको मिलने वाली है. हेडलाइट्स का जो डिजाइन है उसको काफी स्टाइलिश बनाया गया है और रात के समय कुछ ऐसी दिखाई देने वाली हैं. ये अभी लो बीम के ऊपर, हाई बीम के ऊपर जो इसका थर्ड पैनल है वो भी ऑन होगा. फोर्थ जो है उसके अंदर सैटर्न इंडिकेटर्स को लगाया गया है. और नीचे भी काफी स्पोर्टी एलिमेंट्स का यूज किया गया है, क्रोम लगाया गया इसकी फ्रंट स्किड प्लेट के ऊपर. वरना फेसलिफ्ट के अंदर आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो तकरीबन 120 PS की पावर डिलीवर करेगा. 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल इंजन सेम क्रेटा वाला ही है, सेम आपको 115 PS की पावर मिलेगी दोनों इंजन ऑप्शन से. और जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो सिर्फ 7-स्पीड के DCT गियरबॉक्स के साथ में ऑफर किया गया है, उसमें आपको मैनुअल वर्जन नहीं मिलेगा. और वहीं अगर हम SX वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर आपको मिलने वाली हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट्स. DRL का डिजाइन सेम रखा गया है, पोजीशनिंग सेम रखी गई है, सिर्फ उसके अंदर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं. साइड में अगर आप देखेंगे तो SX वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाले हैं काफ़ी सिंपल से दिखने वाले 5-स्पोक के 16-इंच के अलॉय व्हील्स. वहीं जो SX ऑप्शनल वेरिएंट है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेंगे ड्यूल टोन के डायमंड कट के अलॉय व्हील्स जो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं. साइड प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं किया गया है डिजाइन में एज सच. फ्रंट और रियर बम्पर और जो हेडलाइट और टेललाइट है उसके अलावा कुछ नहीं बदला गया है. और रियर में भी टेल लाइट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्टाइलिश टेल लाइट्स लगाई गई हैं, फुल LED टेल लाइट्स लगाई गई हैं. हालांकि जो साइटन इंडिकेटर है उसके अंदर नॉर्मल जो बल्ब है उसका इस्तेमाल किया गया है. और रात के समय कुछ ऐसी लुक आने वाली इसकी टेल लाइट्स की. रियर बम्पर के अंदर भी काफ़ी स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है. और दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाला है स्मार्ट ट्रंक. आपको बटन या फिर कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है बूट खोलने के लिए. अगर आपके हाथ में सामान है दोनों हाथों के अंदर और की आपके पास है और आप जैसे पीछे बूट के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका बूट ओपन हो जाएगा. पीछे आपको डिस्क ब्रेक फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर भी नहीं मिलने वाले. ड्यूल टोन का इंटीरियर मिलेगा आपको वर्ना के अंदर. कलर में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा जो पुरानी वर्ना है, जो करंट जैन वर्ना है उसके कंपैरिजन में. डोर ट्रिम्स के ऊपर भी लेदर लगाया गया है. लेदर सीट्स आपको मिलेंगी इसके SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर. जो फ्रंट सीट है उसके अंदर अब आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलने वाला है फ्रंट बोथ सीट्स के ऊपर. और ड्यूल टोन की सीट्स हैं, सेम जो पहले आती थी सेम वही कलर रखा गया है, ब्लैक एंड बेज कलर का. टॉप टू ट्रिम्स के अंदर आपको मिलने वाली ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट. ये जो स्विच लगाए गए हैं ये लगाए गए वेंटिलेटेड सीट्स के लिए. ब्लू लिंक कनेक्टिविटी आपको मिलेगी अब वर्ना के अंदर. 45 के आसपास फीचर्स मिलने वाले हैं आपको ब्लू लिंक के अंदर. स्मार्ट वॉच से भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं. बट ये फीचर आपको सिर्फ इसके टॉप ऑफ द लाइन SX ऑप्शनल वेरियंट के अंदर मिलेगा. सनग्लास होल्डर आपको मिलेगा. उसके अलावा सनरूफ आपको मिलेगी इसके टॉप टू ट्रिम्स के अंदर. पहले सिर्फ SX ऑप्शनल में आती थी, अब आपको SX वेरियंट के अंदर भी सनरूफ मिलने वाली है. और जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर. उसकी साइज़ को बड़ा किया गया है, 8 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिलने वाली इसकी टॉप 3 ट्रिम्स के अंदर. और फ्लोटिंग डिजाइन दिया गया है.
स्टीयरिंग व्हील के डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है। पीछे आपको एसी वेंट्स मिलने वाले हैं, यूएसबी चार्जर आपको मिलेगा पीछे, और टॉप ट्रिम के अंदर आपको एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिलेंगे, और जो एसएक्स वेरिएंट है उसके अंदर फिक्स हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। कर्टेंस आपको मिलने वाले हैं टॉप टू ट्रिम्स के अंदर। लेगरूम थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था, बट कोई खास बदलाव किया नहीं है। न्यू जेन नहीं है, माइनर फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर रही है कंपनी। स्पीडो कंसोल ऑल डिजिटल मिलने वाला है आपको इसके टॉप टू ट्रिम्स के अंदर, एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल के अंदर। फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल लगाया गया है जो काफी स्पोर्टी नजर आता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की साइज को बड़ा किया गया है और इसके अंदर ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी मिलेगा। कूल्ड ग्लो बॉक्स पहले भी आता था, अभी आपको मिलने वाला है इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे इसके टॉप ट्रिम के अंदर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी एक्सक्लूसिव वॉकराउंड वीडियो ऑल न्यू वरना की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर क्रेटा के ऑल वेरिएंट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। वरना के जो SX वेरिएंट है, जो एक स्टेप नीचे रहने वाला है इस वेरिएंट से, उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, और इसका जो बेस वर्जन होगा EX उस वेरिएंट की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।